जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुल्तान अहमद। आज हम लोग मौजूद है चांदनी परवीन का घर पर। झारखंड के रहने वाली है, हजारीबाग जिला बुढ़िया डाबर थाना चौपारण हजारीबाग राज्य झारखंड का रहने वाला है। इनका पति का देहांत हो गया है मिजोरम में, जो कि पहाड़ी का चट्टान गिरने से इनका पति का मौत हो चुका है। और आज मैं बताने वाला हूं कि इनका घर का स्थिति क्या है क्या नहीं है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। सो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ में, मैं आप लोग को दिखाता हूं। मैं बता सकता हूं कि वो एक ऑपरेटर क्या चीज़ होता है। ऑपरेटर एक अपना घर का सुकून छोड़ के, आराम छोड़ के, आराम कमाने के लिए जाता है, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है हम लोग का, ना सरकार का ना गवर्नमेंट का। आज अगर सरकार हमारे घर के नज़दीक में अगर कोई प्लेटफॉर्म बना चुकी होती तो हमारा ऑपरेटर दूर नहीं जाता, कोई पहाड़ी के नीचे आज दब के नहीं मरता। आज हमारे साथ मौजूद है ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन के पूरा टीम, जो कि मकसूद भाई है, जो कि हम लोग को बुलाया गया यहाँ पर ही। इसका एप्लीकेशन भी आया है सेवा में। OESF अध्यक्ष महोदय, बभनौली बसंतपुर सिवान बिहार, विषय आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में। महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं चांदनी परवीन पति स्व कमरुद्दीन ग्राम बुढ़िया डाबर जिला हजारीबाग राज्य झारखंड के निवासी हूँ। मेरे पति स्व कमरुद्दीन एक पोकलेन ऑपरेटर थे, जो कि मिजोरम में BRN कंपनी में कार्य कर रहे थे। दिनांक 19/2/2022 को कार्य के दौरान के पहाड़ के नीचे मशीन चलाने क्रम में पहाड़ का एक चट्टान ऊपर से मशीन पर गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आर्थिक सहयोग प्रदान करने की कृपा की जाए, ताकि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन कर सकूं। आज बहुत अफसोस की बात है, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। इसका घर देखिए, कच्चा मिट्टी कच्चा मकान का बना हुआ है, परिवार भी बहुत ज़्यादा है, रहने में बहुत कंजेस्टेड होता है, छोटा छोटा परिवार है इसका, कैसे करेगा ये? अगर यह चीज़ जागरूक नहीं होंगे हम लोग का ऑपरेटर भाई, तो हम लोग क्या कर पाएंगे? आज हमारे साथ मौजूद है उनका माताजी हैं, उनका घर पे उनका छोटा छोटा बच्चा है, वो तो नहीं रहे दुनिया में, गुजर बसे। तो इसके कारण आप लोग देख रहे हैं, अगर एक ऑपरेटर ही नहीं बल्कि कोई मालिक भी अगर देख रहे हैं यह वीडियो हमारा को, तो आप लोग इस हर मजलूम परिवार का आप लोग मदद करें, आगे से आगे आए। और इसी को लेकर के यह हमारा ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन इस चीज़ को दिखाने की प्रयास कर रही है कि आप लोग को इस परिवार, गरीब परिवार का एक ऑपरेटर के सैलरी कितना होता है, 8,000, 10,000, 12,000 कर देता है। उसके बावजूद भी ऑपरेटर जान में खेल करके अपना मशीन को पानी को पानी नहीं समझता है, धूप को धूप नहीं समझता है, और मशीन चलाते हुए अपना जान गंवा बैठते हैं। इस कर रहे हैं कि हम लोग इस आप लोग का इस परिवार को खबर चली तो हम लोग अवश्य हमारे संस्था के तरफ से जो भी होती है हमारे हम लोग आप लोग का मदद करेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम 5 लाख तक का हम लोग आप लोग का मुआवजा प्रदान करेंगे। सभी से निवेदन करेंगे, आगे तक यह बात को पहुंचाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर, क्या बोलना चाहेंगे? अभी आपका एक हमको बेटा चल गया काम करने, हमारे से जाके चट्टान गिर गया, हमको बेटा हमें गुजर गया, गबरी आदमी है, हमारे बाल बच्चा के कैसे परवरिश चलेगा, सब लोग जो वही सब जानेगा, हम कैसे रखेंगे हम अपन बाल बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, घर मट्टी के घर है, मट्टी का घर है बोल रहा है, छोटा छोटा बच्चा है। यहाँ पर दिखा दीजिए, उनका वाइफ है, इनका छोटा दो बच्चा है, दो तीन बच्चा है बोल रहा है, एक बच्चा किधर गया खेलने के लिए। बहुत ही स्थिति नाजुक है, देखिए बरसात के दिन में इसका छत चूता होगा, ऊपर दिखाइए, बरसात के दिन में इनका छत चूता होगा, देखिए ऐसा नाजुक हालत में इसका ना कोई घर का ठिकाना, ना कोई घाट का ठिकाना, ये सब अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बोलता हूं आप लोग से, रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी तमाम भाई हम लोग को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम सब का ये मनोबल पूरा हो सके। हम लोग का जो हौसला है 5 लाख रुपया तक का हम लोग का ये
मुआवजा देने का कोशिश करेंगे फंडिंग के द्वारा। इनका वाइफ है, आप कुछ बोलिए। कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे जाना हुआ, क्या विचार से गए थे घर, क्या परिस्थिति थी बाहर में जब गए, तो क्या विचार से गए थे, क्या सोच करके गए थे? आपका कमरुद्दीन जी जो भी एक्सपायर कर गए हैं, अभी तो नहीं रहे इस दुनिया में, तो आप बताइए क्या प्लानिंग क्या था उनका आगे का भविष्य, फ्यूचर प्लानिंग क्या था? कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, दुखी सहमत है, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप देख सकते हैं इनका घर, देखिए इनका माँ है साथ में, हमारे और भी हमारी टीम है, मकसूद भाई हैं, इनको भी खबर चले थे, मकसूद जी कुछ बोलेंगे। देखिए दोस्तों, मैं मकसूद आलम ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन का मेंबर हूँ, और ये हमारे ही बगल के रहने वाले थे, जबकि इनके घर का कमाने वाला एक वही व्यक्ति थे जो घर परिवार चलता था, मगर इनका बोले तो एक बैग चट्टान आने के कारण इनका देहांत हो गया। आपसे निवेदन करता हूँ, आप लोग सभी से, ऑपरेटर हैं, मालिक हैं, जितने भी लोग हैं, तमाम जो भी देख रहे हैं, इनके मदद कीजिए और इनको सहयोग कीजिए। इनके दो लड़की एक लड़का हैं, इनके भविष्य के बारे में सोचिए। और यहाँ तक का ये भी है कि आज तक ना इनको इंदिरा आवास मिला, ना कॉलोनी मिला जो कि इनको मिलना चाहिए, वो चीज़ भी नहीं मिला। तो आप लोग सहयोग कीजिए, इनका कुछ घर भी हो जाए, बच्चे का पढ़ने लिखने का, भविष्य के लिए भी आप लोग सहयोग करें। जी जी, मैं भी यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इनका घर देखिए, बहुत ही बहुत बोले तो आप लोग दिखा सकते हैं, उधर दिखाइए कैसा पड़ा हुआ है। ये लोग का फ्यूचर क्या होगा, बहुत सा ऐसा अगर देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, मतलब खुद का जब बीतेगा ना दोस्त अपना में, तो बहुत सा ऑपरेटर भाई बोलते हैं कि हमारे संस्था फ्रॉड है, ये हुआ है। भाई दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ कि फ्रॉड नहीं, ये हकीकत है, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, बात करने का दिल नहीं कर रहा, रो रहे हैं, बहुत सा ऐसा समस्या है इनके पास में, जो कि मिट्टी का घर है, बरसात में पता नहीं कितना बार इसको, अभी आप उनका घर रहा है, एक बूढ़ी माँ है, उसका फादर तो नहीं है, परिस्थिति काफ़ी ही नाजुक है। तो मैं जाते जाते मैं यह संदेश देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, जितने भी तमाम ऑपरेटर हो, चाहे मालिक हो, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जो भी होता है हम लोग से संपर्क करें, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, इनका मदद के लिए आप लोग आगे आएँ, और जो भी होता है आपसे, जो भी डोनेट होता है आप कीजिए, हम लोग इसका फुल गारंटी लेते हैं। इनका घर में आकर लाइव टेलीकास्ट चलाते हुए इनको हम लोग मुआवजा देने का कोशिश करेंगे, आप लोग के द्वारा एक सहयोग बनेगा, वही सहयोग को ही हम लोग देंगे। एक संस्था के थ्रू अगर किसी गरीब व्यक्ति का जान बच जाता है, एक जो भी हो दान पुण्य सदका जो भी है आपको बनता है ना, इस गरीब मजलूम परिवार के लिए जो भी होता है, 100, 200, 500 आप लोग हमारा अकाउंट नंबर जो देख रहे हैं स्क्रीन में, आप लोग उसको डालिए बेहिचक, ताकि एक गरीब परिवार का रास्ता आगे बढ़ सके। और भी बहुत सारा समस्या है, देखने से तो क्या बताऊँ, मुझे अफसोस लग रहा है, इनका घर बार ना इधर आने के लिए सही से कुछ ना आंगन, पता नहीं बरसात में भी कैसे रहते होंगे, आज नहीं कल घर गिर जाएगा, इसका सिचुएशन बहुत ही ख़राब है मेरे दोस्तों। मैं बता देना चाहता हूँ कि बोलने का तो दिल नहीं कर रहा, दिल दहला देने वाली ये समस्या है, ये आदमी सभी के साथ ऐसा होता है। कई एक ऑपरेटर हमारे साथ में आए दिनों एक एक करके ख़त्म होते जा रहे, पूरा ऑल इंडिया में, पूरे भारत में, लेकिन हम लोग का कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और उसी के चलते, उसी के काम में, कर्म में हम लोग एक संस्था का निर्माण किए हैं, वह है आपका संस्था ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, जो कि ऑपरेटर के हित में बनी है। अगर कोई ओनर देख रहे हैं तो इससे नाराज ना हो कि ऑपरेटर अपना हिस्सा मांग रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है सभी ऑपरेटर साथियों का, सभी का, कि आप
कम तो कम दाल भात ही सही, लेकिन समय से। समझदार व्यक्ति खुद ही समझ जाएंगे। आगे देखिए, इनका घर है यहाँ पर ही, छोटा सा घर है, ज़्यादा तो दूर नहीं है, छोटा सा घर है, उसी में गुहाल वुहाल भी उसी में अटैच करके रखा है, खपड़ा पोस घर है, मकान है, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। और जाते जाते मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन को मजबूत बनाइए, फ्रॉड के चक्कर में ना रहे। बहुत सा दोस्त बोल देता है फ्रॉड है, ये है, वो है, तो मैं आप लोग से आग्रह करना चाहता हूँ कि फ्रॉड नहीं, हकीकत है। और इस संस्था को मजबूत कीजिए, ताकि आपका हित में, आपके साथ में, आपके पूरा परिवार के साथ में एक न्याय की लड़ाई लड़ सके। यह प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के लिए ही बना हुआ है। जय हिंद। लीजिएगा पूरा तक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो ऑपरेटर भाई सक्षम नहीं है सहयोग करने में, कृपया शेयर करिए वीडियो को। और जो ऑपरेटर भाई इस फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन। यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन। और कोई भी आपका मन में सवाल है तो कमेंट करिए, आपका सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा, या सीधा हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8092234004। 2 मिनट आपसे जरूर बात होगा। जय हिंद, जय भारत। ऑपरेटर एकता जिंदाबाद।